जिस टेबल पे खाने के साथ आपको इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं सर्व किया जा रहा है उस टेबल को छोड़ के जाइए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बीजेपी में जो टाइम था वो ख़राब था बिल्कुल नहीं हर चीज़ में मुझे पॉलिटिकल जवाब देना ऐसा जरूरी थोड़ी है हाँ मुझे कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ बंगाल पूरे देश की पॉलिटिक्स में आ, कम से कम आ, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने दिखते हैं तो डिफरेंट दिखता है इस हिसाब से कि एक अलायंस जो बाकी राज्यों में बन रहा था यहाँ पर दीदी ने कहा कि सारी सीटें हम जीत कर निकाल सकते हैं सच है अध्य चौधरी जी भी जो जीते हैं देखिए उसी लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आठ साल मैंने पॉलिटिक्स में बिताया है हुँ. मैं इस चीज़ का मुझे रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कि अगर मैं खेल छोड़ के मैदान छोड़ के जा रहा हूँ रिटायर्ड हर्ट हो होके इमोशनल आदमी आपको पहले ही बताया अगर रिटायर्ड हर्ट होके जा रहा हूँ तो उस वक़्त जिन लोगों के खिलाफ मैं ऐसे गाने एक बनाया कि जो गाना मेरे लिए सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ हो गया कहीं पर भी, भी मैं कुछ करने जाता हूँ कोई गाना भी पोस्ट करता हूँ मैं सोशल मीडिया में उतना हूँ नहीं तो लोग बोल रहे दादा वो वाला गाना ज़रा गा के सुनाइए क्योंकि एक बहुत हिट गाना मैंने गाया था जब मैं बीजेपी में था सबको मालूम है वो बहुत सुपर हिट गाना था अब वो मेरे को वो मेरे को हॉन्ट करती है घूम के आती है बट दैट्स वॉट लाइफ इज़ बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं में मुझे जिस टेबल पे आपको खाने के साथ रेस्पेक्ट नहीं सर्व किया जा रहा है जिस टेबल पे खाने के साथ आपको इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं सर्व किया जा रहा है उस टेबल को छोड़ के जाइए आपको रास्ते में कूड़ा भी मिले उसे खा के खुश रहिए सिंपल सी बात है अगर मैंने बीजेपी छोड़ी है तो यही कारण है सिंपल सी बात यहाँ पे ताली बजे ना बजे मुझे आ, इस पे बजा बजा मैं सिर्फ में बता रहा हूँ अगर आपको अच्छी अच्छी बात कोई लगे तो ताली बजाइए नहीं लगे तो सोशल मीडिया में जाके लिखिए मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ उस पता नहीं चलेगा आप लोग क्या लिख रहे हैं हाँ मुझे कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ माई वाइफ थिंक्स आई एम द बेस्ट हस्बैंड बोथ माई डॉटर्स थिंक आई एम द बेस्ट फादर माई मदर डाइड से इवन ऑन द लास्ट डे दैट आई आम द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड माई फादर और स्पेंड्स चौबीस घंटे में से सोलह घंटा मेरे बेडरूम में बिताते हैं yeah. हम लोग साथ में गाते हैं साथ में वो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम में आप देखिए माई डॉग्स थिंक आई एम द बेस्ट ओनर क्योंकि उनका टिक भी मैं निकाल के देता हूँ उनका मेरा सिज़ू का हेयर कट भी मैं करके देता हूँ हस्की का कान भी मैं साफ़ करके देता हूँ माई बर्ड्स मेरे बहुत बड़े एक मम्मी के नाम पर मैंने बर्ड पार्क बनाया वहाँ पर कुछ पंछी हैं मकाओ है अफ्रीकन ग्रे पैरट है जिनके साथ मेरी मम्मी बात करती थी हाँ मम्मी बात करती थी उनको सब हर हफ्ते हर हफ्ते उनमें से एक एक पंछी को ढूंढ के मेरे बेडरूम में मैं रखता हूँ एक हफ्ता वो रहता है उसको खूब खिलाता हूँ बात करता हूँ फिर उसको छोड़ देता हूँ दूसरी की पारी आते तो वो भी सोचता है कि हमारा जो वो है माई स्टाफ चौबीस साल पच्चीस साल मेरे साथ काम कर रहे कोई छोड़ के जाता नहीं है आई रियली डोंट केयर आई डोंट नीड वैलिडेशन फॉर एनी जो मुझे ठीक लगा है मैंने वो किया है और जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ दोनों मिनिस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसमें आप बहुत काम कर सकते हैं देख रही है ना धूप क्या है इसमें सोलर एनर्जी कितने बन सकते हैं हम लोग 900 स्कूल में सोलर वो लगा रहे हैं 50 कॉलेजेस में लगा रहे हैं 104 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगा रहे हैं मैं चाहता हूँ कि जल्द जल्द से जल्द वो काम हो जाए दीदी मुझे एक्सेसिबल है आप वहाँ पर तो आप भटकते रहोगे किससे आप बात करोगे यहाँ पर आप डायरेक्टली मैं चीफ मिनिस्टर को आप मैसेज कर सकते हैं कि दीदी ये करो या नहीं करूँ आपको जवाब मिल जाएगी जवाब मिल जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है तो आई एम हैप्पी हेयर आई एम डूइंग माई वर्क जो जो चीज़ के लिए लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है जहाँ पे मेरे पास जवाब होता है वहाँ मैं जवाब देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि जवाब नहीं दे सकता हूँ मुझे इल्ज़ाम लेना है और मेरा सर झुक जाता है किसी चीज़ की वजह से देश में कोई घटना हो इधर कोई घटना हो वहाँ पर मैं चुप रहता हूँ मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ कोई जस्टिफाई नहीं करता हूँ हर चीज़ में मुझे पॉलिटिकल जवाब देना ऐसा ज़रूरी थोड़ी है पीपल शुड रियलाइज क्रियलाइज आई एम अ सिंगर आई एम इमोशनल पर्सन सो माई माई आंसर्स विल बी विल बी फ्राम अ ह्यूमन साइड हाँ आप जब पॉलिटिक्स में रहते हो तो थोड़ा बहुत आपको पार्टी का थोड़ा बहुत नहीं पार्टी का थोड़ा एक रूल मान के चलना पड़ता है जब बीजेपी में था सत्तर प्रतिशत लोग मेरे साथ थे क्योंकि इतना एंटी माइनॉरिटी था कि मैं इतना दुबई में आबूधाबी में कुवैत में बहरीन में ब्रुनाई में सलमान खान शाहरुख खान कितने शोज किया सब बंद हो गया था मेरा दुबई में नादिल शिवा रेसकोर्स में शो हुआ था इतना बड़ी जगह में अल नाहन जो शेख है वो जब इंडिया आए थे तो किशोर कुमार के गाना मेरी आवाज़ से और रफ़ी साहब के आवा गाना सोनू निगम की आवाज़ से सुनना चाह रहे थे तो दिल्ली में अशोका होटल में अमर सिंह जी हमको लेके गए थे हम जब दुबई गए थे वो उनके पैलेस में मुझे लेके गए थे अबू धाबी में लेकिन वहाँ से सब शोज़ बंद हो गए सब बंद हो गए थे क्योंकि मैं वो दंगेबाज़ ये वो सब फलाना दिल का आने वाला था मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बीजेपी में जो टाइम था वो ख़राब था बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं एक डिसीजन की वजह से मैंने छोड़ा बट उस वक्त मैंने पार्टी की लाइन जो है वो पकड़ के चली ना मैंने लेकिन उसके लिए मुझे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा